हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज मैं आपके साथ अपना एक हेयर मास्क सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हेयर मास्क को बनाने की। सबसे पहले एक कटोरी में मैं एक चम्मच दही ले रही हूँ, उसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी एक कांटे से। अब इसके बाद मैं इसमें एक अंडा मिलाने वाली हूँ। अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एप्पल साइड विनेगर जो है 2 चम्मच ले सकते हैं अंडे की जगह, वो भी सेम काम करेगा। और अगर आप अंडा इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से फेंट लीजिए अंडे को दही के साथ। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच हनी और लास्ट में मैं इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाने वाली हूँ। जितने भी प्रोडक्ट्स आज हमने यूज़ किए हैं ना, वो सारे बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है। जो कॉम्बिनेशन है इन चारों प्रोडक्ट्स का, वो इतने अच्छे से बाल पे काम करता है कि आप देखेंगे एकदम शाइनी हो जाते हैं बाल और एकदम स्मूथ हो जाते हैं। तो अच्छे से पेंट लीजिए इस हेयर मास्क को। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे लगाते हैं इस हेयर मास्क को। मेरे बाल एकदम क्लीन है। मैं सबसे पहले अपने बालों को 2 हिस्सों में बांट दूंगी, लेफ्ट एंड राइट। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कंघी ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर कोई गांठ होगी या टैंगल होगी तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मास्क लगाने की। मैं सेक्शंस में काम करना पसंद करती हूँ, तो मैं 1 इंच का सेक्शन एक बार में लूँगी। अब मैं कॉटन बॉल लूँगी और इस हेयर मास्क में डिप कर दूँगी। उसके बाद इस कॉटन बॉल्स के थ्रू मैं जो है हर एक स्ट्रैंड पर अच्छे से ये हेयर मास्क लगाऊँगी। मेक श्योर करिए कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना अपने इस कॉटन बॉल पे ना लें, क्योंकि ये इतना लिक्विडी है ना, इतना पानी जैसा है, ये जल्दी से ड्रिप हो जाता है और पूरे में गंद मचा देता है। तो क्या करना है, 1 इंच के सेक्शन पे बहुत ही कम सा प्रोडक्ट लगाओ, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा लगाओ, हम बाद में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक भाग कंप्लीट हो जाए तब थोड़ा सा ये जो हेयर मास्क है अपने हाथ में लेके अच्छे से बालों के ऊपर ना इस मसाज कीजिए। उससे क्या होता है कि बाल बड़े स्मूथ हो जाते हैं, क्योंकि आप मसाज करो ना तो अच्छे से ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट। अब मैं ट्विस्ट कर रही हूँ अपने बाल, ताकि जो है हर एक एक बाल पे अच्छे से कोट हो जाए इस हेयर मास्क की। बस इसी तरीके से आप अपने राइट साइड पर भी ये हेयर मास्क लगा लीजिए, और जो भी प्रोडक्ट बचा है ना तो वो स्कैल्प पर लगाइए। स्कैल्प में सबसे लास्ट में लगाइए, क्योंकि ये इतना लिक्विडी है पूरे आपके चेहरे पर आ जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज अंडे की स्मेल भी आती है हल्की सी। तो स्कैल्प पे लगा के स्कैल्प पे मसाज कीजिए, थोड़ा सा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जो है मैं सारे बालों को एक साथ जो है मसाज करूँगी करीब करीब 5 मिनट तक। अब सारे बालों को एक जो है ना जूड़े में ले लेते हैं, ताकि वो मैनेजेबल हों। अब मैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये मास्क लिक्विडी है। आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हो, टीवी देखना चाहते हो, आपके कपड़ों पर या बिस्तर पर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा अगर आप प्लास्टिक रैप लगाओगे। तो बस आराम से प्लास्टिक रैप लगाइए। अगर घर में कोई है तो उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है प्लास्टिक रैप अकेले लगाना। उसके बाद मैं एक्सेस प्लास्टिक रैप को जो कैंची से काट दूंगी, ध्यान से अपने आँख को मत काटिएगा, और उसको सिक्योर कर लीजिए। जब ये हो जाए तो इसको 30 मिनट तक ऐसे ही रखिए, फिर बाल धो लीजिए नॉर्मल वाटर से, और उसके बाद नेक्स्ट दिन जो है वो शैम्पू करिए, आपके बाल एकदम मस्त हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल थैंक यू और मेरा प्यार उन लोगों के लिए जो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गर्ल्स, टेक केयर, बाय बाय।